नहाए खाए से शुरू हुए आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया है। आपको बताते चले, छठ व्रत के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत के पारण का विधान है। वही पूजा को लेकर घाटों पर छठ पूजा की अद्भुत छटा दिखी। आपको बता दें, उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ छठ पूजा घाटों पर देखी गई। व्रतियों और श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ दिया और छठी मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मन्नत मांगी। व्रतियों व उनके स्वजन ने भगवान सूर्य से समाज व देश के हित की कामना की। आपको बता दें, बताया जाता है कि छठ पर्व पर सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का बहुत महत्व होता है। छठ का व्रत काफी कठिन माना जाता है। 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ यह पूर्ण हो जाता है। यह व्रत परिवार के सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। वही किन्नरों ने भी छठ व्रत किया और नाचते गाते घाट पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। निधि सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट।